बड़वानी बलवंत पटेल की जीत के दिनभर के घटनाक्रम के बाद शाम मीडिया से मुखातिब हुए भाजपा जिला अध्यक्ष कहा कविता आर्य को भाजपा ने अधिकृत किया था, लेकिन मामला परिवार का है। भाजपा जिला पंचायत चुनाव को लेकर आज बड़वानी में दिनभर गहमागहमी का माहौल बना रहा। वजह, भाजपा द्वारा अधिकृत कविता आर्य को किया गया, लेकिन पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के पुत्र बलवंत पटेल ने भाजपा से बागी होकर नामांकन भर दिया और कविता को जन्हा 5 मत मिले तो बलवंत 9 मत लाकर विजय हो गए, जिसके बाद विकास ने मंत्री पर लोकतंत्र की हत्या सहित सदस्यों को निर्वाचन कक्ष में जाकर धमकाने तक का आरोप लगाते हुए दिनभर हंगामा किया, नारेबाजी भी। इस दौरान भाजपा का न कोई पदाधिकारी मीडिया से मिला न ही मंत्री, लेकिन शाम को अचानक मंत्री अपने पुत्र प्रेम सिंह के साथ भाजपा कार्यालय गए। जन्हा बलवंत का जिला अध्यक्ष ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने कहा कि हर आरोप के समय पर जवाब खुद मिल जाएंगे। बहरहाल आज बलवंत ने चुनाव जीत लिया है, चूंकि मामला भाजपा परिवार का है। कविता बहन है तो बलवंत भाई है। बलवंत ने चुनाव जीतकर भाजपा कार्यालय आकर अपनी निष्ठा दर्शाई है। मसला परिवार का है, आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद जिला पंचायत सिर्फ अधिकृत होता है, बाकी जो जीता वही सिंहदर है। बता दे कि आज जिला पंचायत बड़वानी के अध्यक्ष पद के चुनाव में जन्हा भाजपा के बागी बलवंत पटेल ने जीत दर्ज की, तो वहीं जिला उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की सुमन वर्मा 14 मतों में 10 मत लेकर विजय हुई है। हालांकि इस पूरे मतदान में जो सबसे अहम बात रही वो ये कि भाजपा के बागी जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल को 9 मत मिले, तो वहीं भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी कविता को 5 मत मिले थे, जबकि जिला पंचायत सदस्य कुल संख्या 14 है, जिसमें 2 सदस्य कांग्रेस तो 2 सदस्य कांग्रेस समर्थित जयस के थे। लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की उपाध्यक्ष प्रत्याशी सुमन वर्मा को 10 मत मिले, जबकि 4 अन्य मत अमृता रमेश यादव को मिले। एमपी न्यूज कास्ट, जिला ब्यूरो चीफ धमेंद्र केवट। के समर्पित कार्यकर्ता होकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई है, मैं उनका बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है विकास आर्य, विकास आर्य द्वारा लोकतंत्र की हत्या हुई है। मंत्री जी जिस प्रकार से निर्वाचन कक्ष में गए, वहाँ पर धमकाया गया कार्यकर्ता। अब सब प्रकार की विषय हैं, सब प्रकार की बातें, उन सबकी चर्चा अपन समय आने पर करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है। चूंकि ये फैसला हाईकमान का था और हाईकमान के फैसले हम सब लोग सम्मान करते हैं, और जिला पंचायत का चुनाव है, जनपद का चुनाव, नंबर ऑफ द गेम चुनाव है, और इसमें जिसके पास नंबर होता है वो चुनाव जीतता है, जो जीता वही सिकंदर होता है। विकास आर्य ने कई तरह के आरोप लगाए जिसमें आप पर भी, उस पर हाईकमान से मिलकर हम सब इस पे चर्चा करेंगे और सारे विषय को शॉर्ट आउट करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, आज भी है, 5 साल बाद भी फिर बनेगा भारतीय जनता पार्टी।